मैं हूं आपका दोस्त एवं शुभचिंतक डॉक्टर सोम भारती भार्गव। आज हम गुड पेरेंटिंग के ही एक और पहलू पे चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बच्चा मतलब क्या, क्योंकि बीच में मेरे पास कई फोन्स आए, अभी हम लोग दो वीडियो गुड पेरेंटिंग पे लोड कर चुके हैं, तो लोगों की क्वेरीज धीरे धीरे करके आना शुरू हो रही है। मेरे पास दो फोन आए कि पेरेंटिंग यानी मेरा बच्चा कॉलेज में पढ़ता है या मेरा बच्चा इतने साल का है वो मेरी बात नहीं मानता या कुछ और उनको प्रॉब्लम था। तो यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम जब पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं तो हमने बच्चों को लिया है, युवाओं को इससे भी बाहर रखा है। हो सकता है इसके बाद की सीरीज में अगर आप लोगों की मांग रही तो हम युवाओं के लिए भी कुछ चीजें आपको बताएंगे। अभी जो बच्चों की हम बात कर रहे हैं वो इन्फेंट से लेके लगभग 10-12 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं। आज हम जिस विषय को चुन के लाए हैं आपके लिए वो विषय है कि बच्चों के साथ आप खेलिए, प्ले विथ योर किड्स। प्ले विथ योर किड्स का मायने क्या, बच्चा छोटा है, बहुत छोटा है, तो हम लोग उसको गोद में लेके घूमते हैं, उसके साथ उछल कूद करते हैं, माँ उससे बहुत सारी बातें करती है, पापा बात करते हैं, भाई बहन बात करते हैं, दादा दादी नाना नानी सब आके बात करते हैं, और ये सब कुछ दिन तक चलता है, लगभग जब बच्चा लड़खड़ा के चलने लगता है तब तक। उसके बाद धीरे धीरे करके बच्चा दौड़ने लगता है, बच्चा बोलने लगता है, और हम धीरे 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 करके उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, हम उससे बात नहीं करते। मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात को स्पष्ट किया था कि कम्युनिकेशन गैप इस युग का सबसे बड़ा त्रासदी है, सबसे बड़ा दुख है। आज इस वीडियो में मैं उससे एक कदम आगे बढ़ के ये कहना चाहता हूं कि हम बच्चों से न केवल बात न करते हैं बल्कि उसके साथ खेलते भी नहीं है। हमें उस बच्चे के साथ खेलना चाहिए क्योंकि इतना छोटा बच्चा और किसी के साथ खेलने के लायक नहीं होता सिवाय उसके पेरेंट्स के। कभी आपने देखा है किसी जानवर को, कभी कुत्ते के बच्चों को देखा है आपने? मैंने देखा है, मैं बच्चों बचपन में बहुत सारे कुत्तों के बच्चों से, खरगोश के बच्चों से, और हमारे यहां गाय थी गाय के बच्चों से खेलता रहा। मैंने देखा है कि गाय का बच्चा माँ के पास आगे पीछे घूमता है और गाय उसको दुलारती है, कुत्ते का बच्चा माँ को ही नोचता काटता है और माँ उसे दुलारती है। हम इंसान हैं तो हम क्यों नहीं, हमें भी अपने बच्चों को दुलारना चाहिए। बच्चा हम ही से तो खेलेगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, स्कूल जाने लगेगा, नर्सरी में जाएगा, फिर कि बड़ी क्लासेस में जाएगा, प्राइमरी स्कूल में जाएगा, वहां वो जाके अपने और साथियों के साथ खेलेगा, और हम जब घर उस वो लौट के आएगा तो हम क्या करते हैं? जब वो यहां खेलना चाहता है, जब उसके पास कोई ज्यादा कोई काम नहीं है सिवाय खेलने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं 3 साल के बच्चे को, चलो पढ़ने बैठो, चलो ये करो, चलो वो करो। बच्चा धीरे धीरे करके डरने लगता है, फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं उससे और दूरी बनाते हैं। बच्चा आता है, पापा मेरे को यहां घुमाने ले चलो, हम कहते हैं नहीं अभी हमारा टीवी सीरियल का टाइम है, अभी हमको ऑफिस जाना है, अभी हमको खाना खाना है, अब हम थके हुए हैं, हमको आराम करना है। हो सकता है आपकी बातें सही हो, आपको खाना भी खाना है, आपको ऑफिस भी जाना है, आपको अपने और दूसरे काम धंधे भी हैं, मगर जब हम परिवार में रह रहे हैं तो बच्चे को पालना भी हमारा ही प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए तो हमने अपने घर में बच्चा बुलाया है, हम बच्चे को लेके आए हैं, तो आप उसके साथ खेलिए, बच्चा बन के खेलिए, छोड़ दीजिए एक आध सीरियल, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर बच्चे के साथ बच्चे की तरह खेलिए। आप यकीन मानिए धीरे धीरे करके बच्चा आपसे जुड़ता चला जाएगा और आप भी
जब बच्चे के साथ बच्चा उनके खेलना शुरू कर देंगे तो बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे दुख से निजात पा जाएंगे। मेरा यकीन मानिए, जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस लेते हैं, जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की चर्चा करते हैं, तो ये बताते हैं कि आप बच्चों के साथ समय बिताएं, बच्चे बन जाए, धीरे धीरे करके आपका स्ट्रेस भी कम होता है। स्ट्रेस कम होना यानी डायबिटीज कंट्रोल में रहना, हाइपरटेंशन कंट्रोल में रहना, आपका बीपी नहीं बढ़ेगा। तो आप बच्चे के साथ खेलिए, बच्चे के साथ जुड़िए। देखिए, आज इस युग की बहुत बड़ी त्रासदी है न्यूक्लियर फैमिली। पहले ये काम दादा दादी, नाना नानी सब मिलके करते थे, मामा मामी मिलके करते थे। मोहल्ले में बच्चे एकदम भीड़ की भीड़ में निकलते थे खेलने। आज छोटे परिवार हो गए हैं, इतना समय नहीं है किसी के पास, दादा दादी साथ में नहीं है, नाना नानी साथ में नहीं है, अड़ोस पड़ोस के बच्चे थोड़ा ज्यादा बड़े हैं, थोड़ा कम बड़े हैं, बच्चे को उनका सुटेबल मैच नहीं मिल रहा कि उनके साथ खेल सके। उसके पास एक ही अल्टरनेट है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ खेले, अपने भाई बहनों के साथ खेले। और हम उससे ये अल्टरनेट भी धीरे धीरे करके छीन लेते हैं, तो बेचारा बच्चा कहां जाए। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब हम फिर शिकायत करते हैं कि वो हमारी नहीं सुनता। क्यों सुने वो आपकी? क्योंकि हमने तो उससे एक दूरी बना ली और इस दूरी को कह दिया हमने जनरेशन गैप। तो मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि आप बच्चों के साथ बच्चा बन के खेलिए, उनसे जुड़िए। देखिए, बहुत सारी समस्याएं इसके साथ विदा हो जाएंगी। हो सकता है आपको मेरा ये वक्तव्य अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कुछ ही दिनों में मैं आपको नए वीडियो के साथ फिर से मिलता हूं, गुड पेरेंटिंग के एक और नए आयाम को लेकर। धन्यवाद।